नमस्कार। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोगों का एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम जो व्याख्यान हैं उन विभिन्न व्याख्यान को हम उसका इलेक्ट्रॉनिफिकेशन करके उनका ई कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं, और इसके लिए हमारे विभिन्न विषय विशेषज्ञ पूरे जो राज्य से हैं और राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक हैं उनको हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। उनके द्वारा ये व्याख्यान दिए जा रहे हैं, और इसका अभिप्राय यह है कि ये इस प्रदेश के कोने कोने में हम विद्यार्थियों के पास ले जा सकें, ताकि ये चाहे मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे उनके हैंडहेल्ड डिवाइसेस में हो, कंप्यूटर्स में हो, ये उसको देख भी सकें और इसके द्वारा विज्ञान के प्रति अभिरुचि जागृत हो सके। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। तो एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज में अगली केमिकल प्रॉपर्टीज का हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें एक रिएक्शन है नेक्स फोर्थ नंबर, दिस इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। तो ये एक कॉमन रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। तो होता क्या है कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन में क्या होता है, इनिशियली एल्कीन की हम क्या करते हैं, मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ रिएक्शन करते हैं किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और वो है आपका NaBH4। तो पहले मर्क्यूरिक एसिटेट रिएक्शन करता है, और सेकेंड स्टेप में डीमर्क्यूरेशन, मर्क्यूरिक एसिटेट का एलिमिनेशन होता है। तो ये दोनों की दोनों जो प्रोसेस होती है वो साइमल्टेनियस होती है रिएक्शन में, इसलिए इस पूरी रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल इन दिस रिएक्शन सपोज वी हैव अ एल्कीन, लाइक सपोज आपके पास कोई एल्कीन ले लिया हमने, CH3 CS डबल बॉन्ड CH2, दिस इज प्रोपीन। तो इस प्रोपीन की हम रिएक्शन करते हैं मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ, और मर्क्यूरिक एसिटेट है आपका CH3 COO का होल ट्वाइस Hg, दिस इज मर्क्यूरिक एसिटेट। मर्क्यूरिक Hg प्लस 2 फॉर्म में है, तो 2 एसिटेट आइंस को हम लेंगे, और साथ में एक और इस पर हम रिएजेंट यूज करते हैं, वो है आपका NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो इससे एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है, और वो प्रोडक्ट बनता है आपका CH3 CH2 CH2 OH। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन जो रिएक्शन है एक तरीके से एंटी मार्कोनी को प्रोडक्ट देता है, जिसमें जो नेगेटिव पार्ट है वो उस अनसिमेट्रिकल एल्कीन के उस कार्बन पे जुड़ रहा है जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है ग्रेटर नंबर पे होते हैं। अब हम इसकी मैकेनिज्म की डिस्कस करते हैं। नाउ मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में जो रिएक्शन है पूरी की पूरी वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। पहले स्टेप को हम बोलते हैं स्टेप नंबर 1 ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन का मतलब होता है रिएक्शन विद मर्क्यूरिक एसिटेट। मर्क्यूरिक एसिटेट की रिएक्शन हमने सबसे पहले स्टेप में करनी है। तो इस स्टेप में क्या होता है कि जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन हमने लिया हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी हम रिएक्शन करते हैं मर्क्यूरिक एसिटेट Hg, इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं HgOAC का होल ट्वाइस, यानी मर्क्यूरिक एसिटेट इसको लिखेंगे, और इसी HgOAC के होल ट्वाइस को लिखते हैं HgCH3 COO का होल ट्वाइस। तो इसको लिखने का तरीका देखिए, मैं इस तरीके से इसको लिख रहा हूं HgOCOCH3, इट मींस CH3 COOHg, और एक और OCOCH3 आपका ग्रुप है इसके साथ C डबल बॉन्ड OCH3। तो इस तरीके से हमने मर्क्यूरिक एसिटेट को लिख दिया HgOAC का होल ट्वाइस। तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें मर्क्यूरिक एसिटेट की रिएक्शन होती है। अब सबसे पहले करता क्या है, ये जो HgOAC है एक CH3 COO ग्रुप यहां से बाहर होता है, तो जैसे ही ये CH3 CO Hg प्लस 2, अभी इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे Hg के पास, तो ये जब Hg और OH के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो इस पर चार्ज आ गया पॉजिटिव और इस पर चार्ज आ गया नेगेटिव, यानी CH3 COO नेगेटिव, इतना पूरा पार्ट यहां से बाहर निकल गया CH3 COO नेगेटिव।
अब जैसे ही CH3CO नेगेटिव बना तो इस Hg पर चार्ज आ रहा है पॉजिटिव, ठीक। अब क्या होगा देखिए, जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज आया इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं इस फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन पे, तो इस फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन पर हमको चार्ज लाना है नेगेटिव। तो नेगेटिव लाने के लिए क्या करेंगे, बॉन्ड को तोड़ेंगे पाई बॉन्ड को, इस पर पॉजिटिव आ गया इस पर नेगेटिव। जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया तो ये पॉजिटिव के साथ ये रिएक्शन कर जाएगा, लेकिन अब इसका एसोसिएशन इससे भी होना है। तो इस कार्बन पर देखिए जिस पर पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो क्या करेगा ये Hg अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो जब ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा इसको तो इसके साथ बॉन्ड बना देगा और खुद Hg पर क्या होता देखिए, अब ये बन गया आपका CH3CH, तो ये जुड़ गया किससे, आपका Hg से। वो कब जुड़ा, जब ये बॉन्ड टूटा था, ठीक है, इस पर आपका चार्ज आ गया था पॉजिटिव और ये पॉजिटिव जुड़ गया था इस नेगेटिव से, तो ये बन गया CH2 और डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में, और साथ में एक हमारे पास है OCOCH3 ग्रुप, अभी अपनी जगह पे है OCOCH3, ये ग्रुप अपनी जगह पे। और अब देखिए ये जो Hg है इस Hg पर चार्ज आ रहा है पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, क्योंकि ये अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसको दिए, क्योंकि इस पर चार्ज आ रहा है पॉजिटिव, इसको न्यूट्रल करना था अपने, तो यहां से एक साइक्लो एडिशन टाइप का रिएक्शन कर जाता है, यानी एक साइक्लिक टाइप का रिएक्शन बन गया। अब देखिए होता क्या है, देखो अभी भी अब ये जो मरकरी है इस पर चार्ज कैसा दिख रहा है आपको, पॉजिटिव चार्ज, अब इसको न्यूट्रल बनाना है आपको, तो न्यूट्रल बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके बीच के बॉन्ड को तोड़ देंगे। अब कैसे बॉन्ड का टूटना है, ये जो बॉन्ड CH और Hg के बीच में ये न्यूट्रल बनना है, न्यूट्रल कब बनेगा, जब इस पर चार्ज आएगा आपका नेगेटिव चार्ज, तो ये जो बॉन्ड है CH और Hg के बीच का ये टूटता है Hg की ओर, Hg पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इस Hg पर नेगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके ये पूरा का पूरा न्यूट्रल बन गया और ये बॉन्ड टूट गया, और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन पर क्या हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया आपका, ठीक। अब क्या होगा देखिए, CH3 देन CH, अब इस कार्बन पर चार्ज आ गया पॉजिटिव, साइकिल टूट गई रिंग इसकी, देन CH2 और इस पर है आपका Hg, अब OCOCH3, इट मींस ये पूरा का पूरा जब लिखेंगे इसको तो ये लिखा जाएगा HgOCOCH3, दिस इज, अभी भी ये स्टेबल नहीं हुआ है क्योंकि अभी ये कार्बोकेटाइन बन रहा है, इसको भी हमको न्यूट्रल करना होगा, तो इसी टाइम पे क्या करते हैं हम, इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। अब हम इसकी रिएक्शन कर देंगे H2O के साथ, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है रिएक्शन विद H2O। तो कैसे H2O से रिएक्शन होता है यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पर H2O भी कहीं कहीं मीडियम में हमारा रहता है, ठीक। तो होता क्या है, अब इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए क्या होता है कि जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस कार्बन को जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, तो हमने इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंप्लीट करना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, H2O की रिएक्शन करी, और H2O में ऑक्सीजन के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये क्या करता है अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद अब ये क्या बन गया देखिए, CH3 देन CH और इस पर जुड़ गया OH2। अब ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, और जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो खुद पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये दे रहा है इसको इलेक्ट्रॉन, तो खुद पे अब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे पॉजिटिव साइन से, बाकी ये जो है HgOH3 अपनी जगह पे फिट है, CH3 HgOCOCH3, दिस इज। अब देखिए क्या हुआ, हमको OH तो मिल गया क्योंकि हमको लाना क्या है इस कार्बन पे OH लाना है, OH कैसे मिलेगा, अब देखिए ऑक्सीजन अभी यहां पर क्या है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इस ऑक्सीजन को भी हमको न्यूट्रल करना होता है, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन है उसमें से किसी एक हाइड्रोजन को हम यहां से एलिमिनेट करते हैं, यानी एक H यहां से बाहर हो गया, और H किस फॉर्म में बाहर जाएगा, पॉजिटिव की फॉर्म पे, और अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे जाएगा, ऑक्सीजन पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव जब एक ही स्पीसीज पे आएंगे तो ये बन जाएगा न्यूट्रल। तो इस अब देखिए नेक्स्ट जो रिएक्शन है, अब क्या होगा देखिए, एच पॉजिटिव यहां से बाहर हुआ, कौन सा एच पॉजिटिव हो गया, ये वाला एच पॉजिटिव अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे रहा है, ऑक्सीजन हो गया न्यूट्रल, तो ये बन गया आपका क्या, इट मींस ये रिएक्शन HgOH यहां पे जुड़ेगा इसका, है CH2 के बाद जुड़ेगा ये CH2 देन ये। अब देखिए क्या हुआ,
एच पॉजिटिव बाहर निकलने के बाद क्या बच गया आपका, देखो अब ये बन गया आपका सी एच थ्री सी एच, अब यहां पर सी एस थ्री सी एस टू भी होगा बीच में, सी एस थ्री सी एस टू सी एच ओ एच देन सी एच टू एच जी ओ सी ओ सी एस थ्री दिस वन, ऐसा कुछ हो गया आपका। अब देखिए यहां तक की जो पूरी रिएक्शन होती है, यानी एल्कीन की मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ रिएक्शन करके मर्क्यूरिक एसिटेट का एसोसिएशन जहां तक हो रहा है, इस पूरे स्टेप को बोला जाता है ऑक्सी मर्क्यूरेशन। अब हमको क्या करना है, हमको OH तो मिल गया, अब यहां पर जो OH वाला रिएक्शन है वो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सी एस थ्री सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन कर रहे हैं, सी एस थ्री सी एच ओ एच ये सी एस थ्री है। अब क्या हुआ देखिए, यहां से इस मर्क्यूरिक एसिटेट को हमको एलिमिनेट करना है, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, अब सेकंड स्टेप में हम इसको लिखते हैं जिसको मैं ऊपर लिखता हूं, इस रिएक्शन को सेकंड स्टेप को बोलते हैं डीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। डीमर्क्यूरेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ मर्क्यूरिक एसिटेट एच जी ओ ए सी का होल ट्वाइस, दिस इज मर्क्यूरिक एसिटेट। तो डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन में क्या होगा, देखिए ये जो मर्क्यूरिक एसिटेट की रिएक्शन करने के बाद जो हमको मिला हुआ है सी एस थ्री देन सी एच देन ओ एच देन सी एच टू देन ये था आपका एच जी ओ सी ओ देन सी एस थ्री, अब इसकी हम रिएक्शन करा देते हैं एन ए बी एच फोर सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिडक्शन करेगा, और रिडक्शन के बाद क्या होगा ये सी एस टू और एच जी ओ ए सी, अब पूरा का पूरा ये जो आपका एच जी ओ सी ओ सी एस थ्री ये पूरा का पूरा बाहर हुआ, और इसके बाहर होने के बाद अब रिडक्शन कर रहा है तो यहां पर आ जाएगा एच, तो हमारा अब ये बन गया सी एस थ्री सी एच ओ एच देन सी एच टू और एक एच और आ गया, ये बन गया सी एस थ्री, दिस इज टू डिग्री, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया सी एस थ्री सी एच ओ एच सी एस थ्री, और बाकी जो मर्क्यूरिक एसिटेट है वो फाइनली आपका यहां से एलिमिनेट होके इसका हो गया डीमर्क्यूरेशन। तो दिस इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, इसका मतलब ये हुआ इनिशियल स्टेप पे फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीमर्क्यूरेशन होना है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन में मर्क्यूरिक एसिटेट रिएक्शन करेगी एंड सेकंड स्टेप में मर्क्यूरिक एसिटेट का एलिमिनेशन होगा, और मर्क्यूरिक एसिटेट के बाहर निकलने के बाद ये बनाता है आपका 2 डिग्री अल्कोहल को, तो दिस रिएक्शन इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। तो दिस इज अ कॉमन या इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करेगा, वो है आपका पार्शियल रिडक्शन ऑफ बेंजीन। नाउ नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन इज पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्कीन, और इस पार्शियल रिडक्शन को बोलते हैं ब्रिज रिडक्शन, ब्रिज रिडक्शन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, ब्रिज रिडक्शन इट इज आल्सो नोन एज। तो ब्रिज रिडक्शन में क्या होता है, देखिए बेंजीन का हम पार्शियल रिडक्शन करते हैं, बेंजीन के पार्शियल रिडक्शन, बेंजीन में भी एक तरीके से एल्कीन लाइक डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, तो इन दिस रिएक्शन व्हेन बेंजीन बेंजीन इज सी सिक्स एच सिक्स इट इज रिएक्ट विद रिड्यूस्ड रिडक्शन मीन्स रिएक्शन विद एच टू इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड एन एच थ्री लिक्विड अमोनिया एंड ऑल्सो सोडियम एंड इथाइल एल्कोहल सी टू एच फाइव ओ एच दीज आर द रिएजेंट। बेंजीन व्हेन रिड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड एन एच थ्री विद सोडियम एंड इथाइल एल्कोहल देन इट पार्शियली रिड्यूस्ड एंड इट गिव अ साइक्लो एल्कीन टाइप प्रोडक्ट दिस वन दिस इज 1, 2, 3, 4, 5 and 6 वन फोर साइक्लो हेक्सा डाइईन। ये देखिए ये जो रिडक्शन है दिस इज पार्शियल रिडक्शन क्योंकि कंप्लीट
बॉन्ड डिसोसिएशन नहीं हो रहा है इसमें। बेंजीन में तीन पाई बॉन्ड थे जिसमें से एक पाई बॉन्ड पे रिडक्शन हुआ, बाकी दो पाई बॉन्ड एज सच एक इसी में है, तो इसका मतलब पार्शियल रिडक्शन हुआ है बेंजीन का। तो बेंजीन का जो पार्शियल रिडक्शन होता है तो उस मैकेनिज्म को या उस रिएक्शन को बोला जाता है ब्रिज रिडक्शन। तो ब्रिज रिडक्शन में हम कहेंगे कि बेंजीन व्हेन पार्शियली रिड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड NH3 एंड सोडियम विद C2H5OH देन इट गिव्स अ साइक्लिक प्रोडक्ट एंड व्हिच इज नोन एज 1,4-cyclohexadiene। तो ये जो पूरी की पूरी केमिकल रिएक्शन है इसको बोला जाता है ब्रिज रिडक्शन। अब ये रिएक्शन होती कैसे है, नाउ इट्स मैकेनिज्म। अब हम इसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो मैकेनिज्म में क्या होता है, देखिए सबसे पहले स्टेप में ये जो बेंजीन है, बेंजीन में ईच कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होगा, तो हम पूरा का पूरा बेंजीन को ओपन फॉर्म पे लिख देंगे। दिस इज बेंजीन एंड जो पाई बॉन्ड होंगे वो अल्टरनेट पैटर्न पे होते हैं और ईच कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, C6H6। दिस इज बेंजीन। अब देखिए सबसे पहले यहां पर क्या होता है कि पाई बॉन्ड का डिसोसिएशन होता है। अब पाई बॉन्ड कैसे टूटेगा, देखिए ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इनके पाई बॉन्ड को हम डिसोसिएट करते हैं, वो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले ये पाई बॉन्ड टूटा। जब पाई बॉन्ड टूटेगा तो एक कार्बन तो पास चार्ज आना है नेगेटिव और उसके एडजेसेंट पे चार्ज आना है पॉजिटिव। जैसे ही ये बॉन्ड टूटा साइमल्टेनियसली एक और बॉन्ड टूटता है और बॉन्ड एसोसिएशन भी होता है इसी स्टेप में, बॉन्ड डिसोसिएशन भी इसी स्टेप में होता है। तो जैसे ही इस पे पॉजिटिव आया बगल वाले पे चार्ज लाना है हमको नेगेटिव, तो नेगेटिव लाने के लिए हमने क्या किया, ये पाई बॉन्ड भी तोड़ दिया। अब दो पाई बॉन्ड टूटे ये वाले और एक नया पाई बॉन्ड इनके बीच में बनेगा और वो पाई बॉन्ड कहां पर बनेगा, देखो ये नेगेटिव वाला है। यानी यहां से अब बन गया आपका क्या, सबसे पहले पाई बॉन्ड के डिसोसिएशन के बाद एक इस तरीके से ये एक हाइड्रोजन तो ऑलरेडी है इसमें, अब इस पर चार्ज तो आ गया नेगेटिव, बाकी एक पाई बॉन्ड यहां पर ऑलरेडी है और ये दो पाई बॉन्ड टूटे और इनके डिसोसिएशन से एक नया बॉन्ड भी फॉर्म हो रहा है ये, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव आ रहा है यहां पर नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर बॉन्ड बना देंगे, ऑलरेडी यहां पर एक हाइड्रोजन है और इस पर चार्ज आ गया आपका पॉजिटिव। इन द फर्स्ट स्टेप टू डबल बॉन्ड ऑफ द बेंजीन इज डिसोसिएट एंड अ न्यू सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म, न्यू पाई बॉन्ड इज फॉर्म, दिस वन, एक दो पाई बॉन्ड टूट रहा है एक पाई बॉन्ड बन रहा है आपका। अब क्या होगा, इसके बाद रिएक्शन में हमारे पास सोडियम भी है, तो सबसे पहले क्या करता, देखिए सोडियम के पास आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन चाहिए हमको क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इट मींस इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके कहां चले जाएगा, Na पॉजिटिव में, प्लस इसने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब क्या होगा, जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, अब ये इलेक्ट्रॉन इसको देना है हमको क्योंकि इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी। तो सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया है उस इलेक्ट्रॉन को ये कार्बन गेन करने के बाद, अब देखो इसका एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, कैसे आएगा एक इलेक्ट्रॉन, दिस वन। अब ये हो गया, दो बॉन्ड तो ऑलरेडी हमारे पास है, ऊपर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है और साथ में इस पर नेगेटिव चार्ज है, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी इसके पास है। अब जब सोडियम ने जो ये दो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया था, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास मूव कर गया और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया और वो इलेक्ट्रॉन कौन सा है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। यानी अभी भी एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है इसके पास क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होगी, 1, 2, 3 एंड एक इलेक्ट्रॉन जब और आ जाएगा तो फिर जाके एक बॉन्ड बनाएगा। अब देखो यहां तक तो ठीक है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और वो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया। अब देखिए यहां पर देखो ये जो फर्स्ट नंबर का कार्बन है इसके पास भी आपका एक नेगेटिव चार्ज है, इसको न्यूट्रलाइज करना है आपने। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या है, हमारे रिएक्शन में एक और रिएजेंट हमने लिया हुआ है जो है C2H5OH। अब क्या करते हैं आप, इस C2H5OH को तोड़ देंगे और ये किसमें डिसोसिएट होगा, C2H5O- plus H positive. C2H5OH is dissociated and it gives C2H5O- ions and H positive ions. अब क्या होगा, जो H positive ion यहां से निकला ये H positive ion इस negative के साथ reaction करेगा और ये negative charge हट जाएगा यहां से और हटने के बाद इस पर आ जाएगा आपका H positive. तो already एक hydrogen इसके पास है, एक और hydrogen आपको आ गया, इसका मतलब negative हट गया और hydrogen आ गया, बाकी दो बॉन्ड ऑलरेडी यहां पर है
और एक एच है और एक इलेक्ट्रॉन। दिस इज, तो एक साइड तो हमारी कंप्लीट होगी, यानी दो हाइड्रोजन हम ले आए, और यहां से जो बाहर होना है वो है C2H5O-। अब देखिए ये जो C2H5O- यहां से एलिमिनेट हुआ, ये जो Na पॉजिटिव यहां पर अलग हुआ है, इसके साथ रिएक्शन करके ये बना देगा C2H5O- एंड Na पॉजिटिव, क्योंकि इसको भी हमको बैलेंस करना होता है। तो हमारा मिल गया C2H5O- एंड Na पॉजिटिव, ठीक, ये एज अ बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा, क्योंकि हमारा जो पूरा का पूरा रिएक्शन है वो एक सिंगल कंटेनर में आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब सारे के सारे रिएजेंट उसी कंटेनर में है। अब देखिए जैसे ही ये आपका रेडिकल आया, अभी भी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए फर्दर इस स्टेप को फिर रिपीट करेंगे आप, जो हमने यहां पर किया है। अब हमारे पास सोडियम है रिएक्शन में, तो हम क्या करते हैं, दोबारा से एक और सोडियम लेंगे, और ये सोडियम क्या करता है, अपने आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन की हमको रिक्वायरमेंट है। वो कहां पर है, क्योंकि यहां पर अभी भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है कार्बन पे, तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दोबारा से इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब देखिए जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन दिया, अब एक और इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया, इट मींस अब इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। अब वो क्या बन गया, देखिए जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन दिया, अब क्या हो गया कि ये तो अपनी जगह पे एच पॉजिटिव था दोनों हाइड्रोजन, ठीक, एक एच ऑलरेडी इसके पास है। अब जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन दिया, तो अब इसके पास दो इलेक्ट्रॉन हो गए, दो इलेक्ट्रॉन का मतलब एक नेगेटिव चार्ज की तरह काम करेगा, क्योंकि टू इलेक्ट्रॉन्स इज बिहेव एज अ नेगेटिव चार्ज, यानी एक नेगेटिव चार्ज की तरह, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है ये, इस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहां से Na पॉजिटिव एलिमिनेट हो गया। अब क्या होता है देखिए, उसके बाद फिर फर्दर उसी स्टेप का हम रिपीटेशन करेंगे जो स्टेप इससे पहले हमने लिया था। अब क्या होगा देखो, दोबारा से हमने, क्योंकि C2H5OH भी हमारे सॉल्यूशन में है, तो हम फिर जाके C2H5OH को लेंगे। अब वही चीज फिर फर्दर रिपीट होनी है, फिर क्या होगा C2H5O- और ये हो गया एच पॉजिटिव के फॉर्म में टूट गया। अब देखिए जैसे ये एच पॉजिटिव ये अलग अलग हो गए, तो ये एच पॉजिटिव दोबारा से किसके साथ रिएक्शन करेगा, अब ये नेगेटिव आयंस के साथ, यानी इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, तो इस कार्बन से रिएक्शन करके ये बन गया आपका C2, यानी ये अपनी जगह पे है, एक एच ऑलरेडी अपनी जगह पे है, एक एच ऑलरेडी है, दिस वन। अब ये जो नया हाइड्रोजन है ये इस कार्बन पे आके ये बन गया हमारा प्रोडक्ट जिसको हमने प्रिपेयर करना है, और वो है 1,4-cyclohexadiene। तो इस स्टेप में प्रोडक्ट बन गया, और फाइनली क्या हुआ कि यहां से जो C2H5 ये जो है C2H5O-, ये क्या करता है, इस स्टेप में जो Na पॉजिटिव हमारा निकला हुआ है इसके साथ रिएक्शन करके ये बना देगा C2H5O- Na पॉजिटिव, एंड फाइनली वी गेट अ प्रोडक्ट, दिस इज 1,4-cyclohexadiene। तो दिस इज अ ब्रिज रिडक्शन, एंड इट इज अ वेरी कॉमन रिएक्शन, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज पार्शियल रिडक्शन। एंड पार्शियल रिडक्शन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कंप्लीट रिडक्शन नहीं हो रहा है बेंजीन का, इसलिए इसको पार्शियल रिडक्शन आप बोलते हैं। तो ये है आपका ब्रिज रिडक्शन, एंड इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन। तो एल्कीन की एक और रिएक्शन हमने बात कर ली, पार्शियल रिडक्शन। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम बताने जा रहे हैं, दिस इज अ लास्ट रिएक्शन ऑफ इन दिस केस, दिस इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दिस इज अनदर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि कोई एल्कीन, चाहे वो सिमेट्रिकल एल्कीन हो या आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, उसको हम रिएक्ट कराते हैं B2H6 यानी BS3 बोरोन हाइड्राइड से, और एक तरीके से ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट हमको मिलता है। और वो रिएक्शन क्या होती है, सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्टेंट है CH3 CS डबल बॉन्ड CH2, दिस इज एल्कीन। इस एल्कीन की हम रिएक्शन करते हैं BS3 से, BS3 का होल ट्वाइस हम लेते हैं बेसिकली,
या BS3 हम ले सकते हैं, या ब्रैकेट में हम एक काम और कर सकते हैं BS3, क्योंकि BS3 इस फॉर्म में अनस्टेबल होता है, ऑलवेज B2H6 के फॉर्म में रहता है, डाइबोरेन के फॉर्म में। और यहां से हमको एक प्रोडक्ट मिलता है और वो प्रोडक्ट ये है CH3 then CH2 then CH2OH, और इसके भी आपको थ्री मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। इट मींस ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें एक्सेस ऑफ अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है बाय द रिएक्शन ऑफ एल्कीन विथ B2H6, और साथ में फाइनली जो बाय प्रोडक्ट है हमारा BS3 वो एज सच एलिमिनेट होता है। और एक और इसके बीच में हम लेंगे बाय द हाइड्रोलिसिस प्रोसेस, एक स्टेप ऐसा भी आएगा आपकी केमिकल रिएक्शन में जिसमें आपको हाइड्रोलिसिस करना है। तो ये एक कॉमन मेथड है, और थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल है तो थ्री मॉलिक्यूल्स ही आपको एल्कीन के भी लेने पड़ेंगे। तो एक्सेस ऑफ अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है यहां से। तो आप ये कहेंगे इन दिस रिएक्शन व्हेन थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कीन रिएक्ट विद B2H6 देन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस देन इट गिव्स एक्सेस ऑफ अल्कोहल। नाउ अब हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, तो कैसे हम इसके फॉर्मेशन करते हैं उसको मैकेनिज्म से हम दिखाएंगे। नाउ द मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म में क्या है, सबसे पहले क्या करता, देखिए ये जो एल्कीन का एक मॉलिक्यूल है जिसको हम लेंगे CH3CH2, इसकी हम रिएक्शन करते हैं BS3 के साथ। दिस इज BS3 बोरोन ट्राइहाइड्राइड। तो देखिए बोरोन ट्राइहाइड्राइड में अब वन बाय वन हम क्या करते हैं, बोरोन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन है उनको डिसोसिएट करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले ये वाला हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ। अब हाइड्रोजन और बोरोन बी बोरोन में बोरोन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जो बॉन्ड टूटेगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बोरोन की ओर टूटते हैं, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज। और यहां पर जो एडिशन होना है वो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक ऑफ होना है, इसलिए क्योंकि जो नेगेटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन पे जुड़ेगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे आपका ग्रेटर नंबर पे होंगे। तो हम क्या करते हैं, देखिए ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसके बीच का बॉन्ड तोड़ना है आपको। अब बॉन्ड ऐसे तोड़ना है कि इस कार्बन पर BS बोरोन का मॉलिक्यूल आए, तो ये बॉन्ड जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में टूटेगा, इस पर चार्ज आ गया पॉजिटिव, इस पर चार्ज आ गया नेगेटिव। तो जो एच पॉजिटिव है ये एच पॉजिटिव तो जुड़ेगा किसके साथ, CS नेगेटिव के साथ, और जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो जुड़ेगा इस कार्बन के साथ। तो ये बन गया आपका CH3 देन CH और एक हाइड्रोजन मिलके बन गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये हो गया आपका BH2 दिस वन। दोबारा से अब एक हाइड्रोजन कम हो गया और उस हाइड्रोजन की जगह पे इतना पूरा मॉलिक्यूल जुड़ गया आपका। फिर क्या करते हैं हम, इसके बाद फर्दर वन बाय वन हमको हाइड्रोजन अलग करने हैं। तो हाइड्रोजन अलग करने के लिए फिर दोबारा से हम क्या करेंगे, एक और एल्कीन के मॉलिक्यूल की रिएक्शन कर देंगे इसमें। तो एक बार फिर हम इसमें क्या करते हैं, एल्कीन की रिएक्शन कर देंगे, और एल्कीन के हमारे पास CH3CH डबल बॉन्ड CH2 ये। जब इसकी रिएक्शन करेंगे तो फिर वही प्रोसेस रिपीट होनी है जो इस स्टेप में रिपीट हुई है, जिसमें हमने क्या किया था, बोरोन से एक हाइड्रोजन को अलग किया था। यहां पर भी हम क्या करेंगे, एक बोरोन हाइड्रोजन को अलग कर देंगे, ये बोरोन नेगेटिव बन गया, ये बन गया पॉजिटिव। अब इस बोरोन को हमने जोड़ना है किस पे, इस कार्बन पे, तो इस पर कैसा चार्ज लाना पड़ेगा आपको, पॉजिटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव आ गया, ये बन गया नेगेटिव। तो क्या हुआ कि बोरोन पर तो आ गया ये वाला ग्रुप, यानी ये पूरा जो CH2 है ये जुड़ जाएगा बोरोन के पास, और एच जो है वो किसके साथ चले जाएगा, इस कार्बन के पास। तो ये बन गया आपका, अब जो बना CH3 देन CH2 देन CH2 फिर B, और इस बोरोन से क्या जुड़ गया आपका CH2 देन CH2 देन CH3, और अभी भी एक हाइड्रोजन हमारे पास है बोरोन से जुड़ा हुआ, यानी टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कीन को हम रिएक्ट करा चुके हैं बोरोन के साथ। फर्दर फिर ये एक स्टेप और आपका रिपीट होना है, फिर हम क्या करेंगे इस पूरी केमिकल रिएक्शन पे फिर रिएक्शन कर देंगे किसकी, एक और एल्कीन के मॉलिक्यूल की, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, एक बार और अपने इस रिएक्शन को रिपीट करना है। अब क्या होगा, दोबारा से एक और हाइड्रोजन बचा हुआ है बोरोन के पास,
ये हाइड्रोजन आपका एलिमिनेट होगा, और एलिमिनेट होने के बाद क्या हो गया, फिर वही प्रोसेस, हाइड्रोजन और बोरोन के बीच का बॉन्ड टूटा, एक पर नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन पे चार्ज आ गया आपका पॉजिटिव। तो जैसे ही इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, अब इस बोरोन को हमको ऐड करना है इस नंबर ऑफ कार्बन पे, तो यहां पर कैसा चार्ज लाना पड़ेगा आपको, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव लाने के लिए हमने इस पाई बॉन्ड को डिसोसिएट कर दिया, नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव। जैसे ही इस पर पॉजिटिव आया, ये जो है अटैक करेगा बोरोन के साथ, और हाइड्रोजन अटैक करेगा इस कार्बन के साथ, तो ये बन गया आपका एक और आगे फर्दर प्रोडक्ट CH3। अब बोरोन के पास सारे के सारे एल्काइल ग्रुप आ गए, CH2 देन CH2 बी देन CH2 CH2 एंड देन CH3, और एक और ग्रुप आपका मिल गया CH2 CH2 एंड देन CH3। दिस इज ट्राई एल्काइल बोरेन, यानी बोरोन के सराउंडिंग पे सारे के सारे आपके एल्काइल ग्रुप्स मिल गए, और क्या हो गया, सारे के सारे हाइड्रोजन अलग हो गए बोरोन से। अब फर्दर क्या है, अब इसका करेंगे हम हाइड्रोलिसिस। अब देखिए, जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस भी एक्सेस हाइड्रोलिसिस आपको करनी होती है। वो कैसे, देखिए, क्योंकि बोरोन को अलग भी करना है आपने यहां से, तो एक बार हाइड्रोलिसिस यहां पर होगी, एक बार हाइड्रोलिसिस यहां पर होनी है, और एक बार हाइड्रोलिसिस यहां पर होनी है। यानी जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बन गया OHH, ऐसे यहां पर दिखाएंगे आप OHH, एंड ऐसे यहां पर दिखाएंगे OHH। यानी एक यहां से मॉलिक्यूल बन गया CH3 CH2 CH2OH, एक यहां से आपका बन गया दिस इज OH CH3 CH2OH, और एक यहां से बन गया, तो टोटल मिला के 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या बन गया आपका CH3 CH2 CH2 देन OH। यानी एक OH यहां मिला आपको, एक OH इधर मिल गया आपका, ये OHH हो गया ऐसे, दिस इज H एंड दिस इज H एंड OH। ये तो एक मॉलिक्यूल यहां से मिल गया, एक मॉलिक्यूल यहां से, यानी 3 मॉलिक्यूल ऑफ CH3 CH2 CH2OH के मिल गए। और साथ में ये जो BH3 है बोरोन के पास, 1 2 3 हाइड्रोजन आपको मिल गई, यानी BH3 एज सच रिएक्शन के लास्ट में अलग हो जाएगा ये, एंड हमको ये मेन प्रोडक्ट मिल गया 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल इट मींस प्रोपाइल अल्कोहल। तो यहां से ये दिस इज अ प्रोडक्ट, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन टाइप रिएक्शन। तो आप ये कहेंगे एल्कीन की BH3 के साथ हम रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ या विथ वाटर, देन इट गिव्स एक्सेस ऑफ अल्कोहल, एंड ये रिएक्शन आपकी हम बोलेंगे एक तरीके से हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो दिस इज अनदर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। नाउ तो ये तो है आपका एल्कीन की केमिकल रिएक्शंस। अब हम बात करते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, जो अगला पार्ट है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, दिस इज एल्काइन। एल्काइन इज अनदर टाइप ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और हमको मालूम है कि एल्काइन्स का भी अपना एक जनरल कन्फिग्रेशन फार्मूला होता है, और उस जनरल कन्फिग्रेशन फार्मूले के बेसिस पे हम एल्काइन्स के वेरियस मेंबर्स को फाइंड आउट करते हैं। जैसे एल्केन का अपना जनरल फार्मूला था, उसी तरीके से एल्काइन्स का भी अपना एक जनरल कन्फिग्रेशन फार्मूला होता है, जो CnH2n-2 के फॉर्म पे होता है। तो दिस इज द जनरल कन्फिग्रेशन फार्मूला ऑफ एल्काइन्स, वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड इट्स वैल्यू इज 2, 3, 4, 5, 6 एंड नंबर ऑफ n। तो देखिए, अगर आप n की वैल्यू को 1/1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एल्काइन्स के वेरियस मेंबर्स को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, व्हेन वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2, देन वी गेट C2H2 × 2 − 2, दिस इज C2H4 − 2 is 2 C2H2 C2H2 is the first member of alkene and it is represented
C triple bond C H and H. This is known as acetylene, and it is also written as ethyne. आगे हम इसका nomenclature करेंगे, तो nomenclature में बताएंगे कि किस तरीके से alkynes का हम IUPAC system के according nomenclature करते हैं. तो जब आप N की value को 2 substitute कर रहे हैं, तो उसके एक पहला member आपको मिल रहा है acetylene का. Similarly, when we substitute the value of 3, then we get C3 as 3 into 2 as 2 into 3 minus 2, that is C2C3H4. This is written as CH triple bond C and then CH3. This is C3H4, and this is another member of alkyne, and it is written as propyne. YNE suffix may be used. Similarly, when we substitute the value of N is equal to 4, then we get C4S2 into 4 minus 2, and it is C4, 4 to just 6 minus 2 is C4H6, and it is written as CH triple bond C, CH2, then CH3. This is 3 to 5 and 6, H6 and C4, and it is butyne, B-U-T-Y-N-E, propyne, butyne, anytime. And similarly further, when we substitute the value of N is 3, 4, 5, 6, 7, then we get a various members of alkynes. So, hota kya hai ki alkynes ke every two adjacent member, jaise ethyl aur propyne ke beech mein hum dekh rahe hain, to in dono ke beech mein ek fixed difference hota hai, wo hai CH2 ka. ऐसे ही इन दोनों एडजेसेंट मेंबर के बीच में भी क्या होगा, एक फिक्स डिफरेंस. तो ईच टू एडजेसेंट मेंबर्स ऑफ एल्काइंस में एक फिक्स डिफरेंस होता है CH2 का, और इसके फिक्स डिफरेंस के बेसिस पे एक पूरी की पूरी सीरीज आपको मिलती है, और उस सीरीज को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज. तो एल्काइंस की अपनी होमोलोगस सीरीज होती है, जैसे एल्कीन्स में होती थी, एल्केन्स में होती थी, या अदर हाइड्रोकार्बन्स के केस में हम इसको देखते हैं. तो दीज आर दी फॉर्मेशन, या एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एल्काइंस को हम कैसे ओरिजिन करते हैं. तो वो एक इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन फार्मूला होता है, और उस फॉर्मूले के बेसिस पे हम एल्काइंस के मेंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. अब देखिए, अब हमको क्या है, एल्काइन का नोमेनक्लेचर करना है. नाउ द नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइंस. Nomenclature of alkynes. तो जब भी हम किसी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं इन टर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो तरीके के नेम्स होते हैं. एक तो उसका कॉमन नेम होता है, और एक उसका IUPAC नेम. तो जब भी हम नोमेनक्लेचर करते हैं, तो IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको करेंगे. और IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर में जब भी आप किसी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर देते हैं, तो सबसे पहले वर्ड रूट को लिखा जाता है. वर्ड रूट के बाद उसमें जो प्रेजेंट सफिक्स होगा, उस सफिक्स को हम यूज करेंगे. एंड वर्ड रूट से पहले हम यूज करते हैं प्रीफिक्स को. तो सब प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, देन सफिक्स. तो एल्काइंस में भी क्या होता है, एक सफिक्स हम यूज करते हैं, और सफिक्स हमेशा वर्ड रूट के बाद आएगा, और वो सफिक्स होता है इसमें YNE, आइन. तो इसलिए जब भी आप कोई भी नाम लिखेंगे एल्काइंस का, तो लास्ट में आइन वर्ड यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स सफिक्स नेम YNE. तो देखिए, सपोज हमारे पास कोई एक एल्काइन है जिसमें हम सबसे पहला मेंबर ले रहे थे CH ट्रिपल बॉन्ड CH. तो दो कार्बन की चेन है, तो दो कार्बन की चेन को बोलते हैं एथ, प्लस इसमें एक सफिक्स यूज करेंगे आइन. दिस इज इथाइन. तो इथाइन इज अ सफिक्स विच इज यूज्ड फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ दिस वन. तो इथाइन इसको हम बोल देंगे. ऐसे हमारे पास कोई एक मेंबर ले लिया आपने CH डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, ये दूसरा मेंबर है. अब देखिए, जब आप नोमेनक्लेचर करते हैं किसी भी कंपाउंड का, तो सबसे पहले हम
वर्ड रूट को देखते हैं कितने नंबर की वर्ड रूट है, वर्ड रूट का मतलब नंबर ऑफ कार्बन चेन या कार्बन एटम्स, तो तीन कार्बन की चेन है तो वर्ड रूट थ्री की होगी, उसको हम प्रॉप्स रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं इसमें नंबरिंग, तो नंबरिंग के लिए आपको ये मालूम है कि जब भी हम नंबरिंग करते हैं तो उसके लिए जिस डायरेक्शंस में ट्रिपल बॉन्ड नजदीक है इन केस ऑफ एल्काइन तो वहां से हम शुरू करेंगे। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं तो फर्स्ट नंबर के बाद आपका ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो फर्स्ट के बाद आ रहा है वन टू एंड देन थ्री, तो तीन कार्बन की चेन है तो तीन कार्बन की चेन में हम क्या लिख देते हैं इसको प्रॉप प्लस आइन। अब आइन कितने नंबर पे आपका फर्स्ट नंबर पे, तो इसको हम लिख देंगे कॉमनली प्रोपाइन फन, या इसी को हम लिख सकते हैं वन प्रोपाइन, या हम इसको और लिख सकते हैं प्रोप वन आइन, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया इसका यूपीएससी नेम। ऐसे ही अगर आपके पास कोई इससे हाई नंबर का एल्काइन है, लॉन्ग चेन एल्काइन सी एस थ्री सी एच सी एस थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी एंड देन एच, इट इज अ टाइप ऑफ एल्काइन, तो ऐसे कंपाउंड में जहां पर कोई सब्स्टिट्यूएंट भी आपका जुड़ा होगा तो उस टाइप पे हम कैसे इसका नोमेनक्लेचर देते हैं उसको हम देखते हैं। तो देखिए इस कंपाउंड का जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे, सबसे पहले हम वर्ड रूट का सिलेक्शन करते हैं। वर्ड रूट का मतलब जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की रूट होगी उसको हम एज अ वर्ड रूट मानेंगे, तो वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, दीज आर सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो इसमें ये तो एक वर्ड रूट हमने सिलेक्ट कर लिया, दिस इज अ वर्ड रूट। आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ वर्ड रूट हमको कार्बन नंबरिंग करनी होती है, और कार्बन नंबरिंग के लिए हम ये देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप किस डायरेक्शन से नजदीक पे है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, या सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन। तो हम ये देख रहे हैं कि इस कंपाउंड में जब हम राइट हैंड साइड से जाते हैं तो फर्स्ट नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आता है, यानी फर्स्ट के बाद ट्रिपल बॉन्ड, ठीक, और जब लेफ्ट से राइट की ओर जब जाते हैं तो वन टू थ्री, थ्री नंबर के बाद ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो हमको ये देखना होता है कि जिस रूट से ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन नियर अबाउट होती है, तो दिस इज द एग्जैक्ट या राइट रूट ऑफ द नंबरिंग। तो हम क्या करते हैं नंबरिंग वन टू थ्री एंड देन फोर, तो यहां से हमने नंबरिंग कर दी। अब उसके बाद क्या करते हैं, चार कार्बन की चेन। अब देखिए इसमें एक और चीज है कि भाई जो थ्री पोजीशन है उसमें कोई एक सब्स्टिट्यूएंट भी है आपका, सब्स्टिट्यूएंट में मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, एंड सब्स्टिट्यूएंट का जो नंबर आता है आईयूपीएसी में वो वर्ड रूट से पहले आता है, जिसमें हम सेकेंडरी प्रीफिक्स के फॉर्म पे यूज करते हैं। तो मिथाइल ग्रुप भी जुड़ा, तो वर्ड रूट कितने कार्बन की हमारे पास, फोर कार्बन की, तो हम सबसे पहले इसको लिख देंगे ब्यूट प्लस सफिक्स हमारे पास है आइन, तो हम उसको लिख देंगे वाई एन ई। अब आइन की पोजिशन क्या है, वन पोजिशन के बाद है, तो इसका मतलब वन लिख देंगे। और वर्ड रूट ब्यूट से पहले हमारे पास एक और इसमें कंपोनेंट है मिथाइल ग्रुप, एंड इट बिहेव एज अ सब्स्टिट्यूएंट, एंड मिथाइल ग्रुप को हम लिख देते हैं इससे पहले। अब मिथाइल की पोजीशन को भी हमको देखना है, किस पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो थ्री पोजीशन पे मिथाइल, तो इसको हम लिख देंगे थ्री मिथाइल ब्यूट प्लस वन आइन, तो इस पूरे को अगर हम कंबाइंडली लिखेंगे तो ये हो जाएगा थ्री डैश मिथाइल ब्यूट वन आइन, या थ्री मिथाइल ब्यूटाइन वन, दिस इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ऐसे ही हमारे पास अगर इससे हायर कार्बन चेन के कंपाउंड होंगे तो उस टाइम पे हम कैसे इनको नॉमिनेट करते हैं, तो ये एक कॉमन फॉर्मेट होता है आईयूपीएसी का। अब इथाइन का हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखते हैं, ऑर्बिटल डायग्राम्स, तो कैसे इथाइन में बॉन्डिंग होती है इसकी हम बात करते हैं। नाउ ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन या प्रोपाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो कैसे बनता है इसकी हम बात करेंगे। नाउ ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ एल्काइन, सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, दिस इज एसिटिलीन,
तो हम ये देखते हैं कि एसिटिलीन का जो मॉलिक्यूल है इसका जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ईच कार्बन से एक हाइड्रोजन है और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में हम ये देखते हैं कि दो पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा, यानी टू पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। तो इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है ये हमको जानना है। अब हम थोड़ा सा इसमें बात करते हैं कि जो एल्काइन का मॉलिक्यूल है ईच कार्बन जो है वो ऑलवेज एसपी हाइब्रिडाइज्ड होता है, यानी जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो आपका एसपी हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसका भी एसपी हाइब्रिडाइजेशन है, ऐसे इसका भी हाइब्रिडाइजेशन एसपी है, यानी एल्काइन्स में जितने भी कार्बन होंगे सारे के सारे एसपी हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं, जिसमें हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन एसपी होता है, जिसमें एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। अब इसका हम ऑर्बिटल डायग्राम दिखाते हैं, तो कैसे ऑर्बिटल डायग्राम दिखाएंगे, देखिए जो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है वो सिग्मा बॉन्ड पर डिपेंड करता है, क्योंकि हाइब्रिड जो बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। तो हम ये देखते हैं कि ईच कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है। तो जैसे हम इसकी बात करें एसिटिलीन में, इस कार्बन पे एक सिग्मा बॉन्ड ये है इसका और एक सिग्मा बॉन्ड ये है। तो ऐसे इस कार्बन के लिए देखेंगे तो एक सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है और एक कार्बन कार्बन के बीच में है। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं एसिटिलीन के मॉलिक्यूल में जो ईच कार्बन है उसके पास दो सिग्मा बॉन्ड है। अगर टू सिग्मा बॉन्ड होंगे तो टू हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे और उस टाइम पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा आपका एसपी हाइब्रिडाइजेशन। तो अब हम इसी को हम ऑर्बिटल फॉर्म में दिखा रहे हैं। तो हमारे पास दो कार्बन ले लिया हमने टू कार्बन में और ईच कार्बन के पास दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है एसपी, तो इसका मतलब इस कार्बन के पास एक एसपी ऑर्बिटल ये हो गया, ऐसे ही एक और इसका होगा एसपी हाइब्रिड, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक नेगेटिव लोब भी होता है, पॉजिटिव लोब को हम बड़े से दिखा देते हैं और नेगेटिव लोब को हम छोटे से दिखा देते हैं। तो ये आपका ईच कार्बन के लिए दो एसपी होंगे, ऐसे ही इस कार्बन के पास भी क्या होगा दो एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, एक एसपी ये रहा जिसका नेगेटिव लोब ये है और एक और इसके पास क्या होगा एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा और ये इसका नेगेटिव लोब है। अब देखिए ईच कार्बन के पास अब पाई बॉन्ड कितने बन रहे हैं इसमें दो पाई बॉन्ड। अब एक चीज और देखते हैं इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है आपका हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन के पास ऑलवेज क्या होता है एक एस ऑर्बिटल होता है। तो हमने एक हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल को देख दिया, ये हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल है इस वाले का और ऐसे ही इस वाले हाइड्रोजन का भी क्या होगा एक एस ऑर्बिटल होगा, ये हाइड्रोजन है जिसका एस ऑर्बिटल, दिस इज एस ऑर्बिटल एंड दिस इज एस ऑर्बिटल। अब देखिए ईच कार्बन के पास दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल भी हैं जिनकी वजह से पाई बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड ऑलवेज अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है और हाइब्रिड ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब देखिए क्या हुआ कि इस कार्बन के पास भी क्या है दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है और दो अनहाइब्रिड कौन कौन से होंगे एक पी वाई वाला होगा एक ये है पी जेड, ऐसे इसके पास भी क्या है एक ये पॉजिटिव लोब है इसका ये नेगेटिव लोब, ऐसे इसका ये पॉजिटिव लोब हो गया ये नेगेटिव। सिमिलरली इस कार्बन के पास भी क्या है एक पी वाई वाला होगा ऑर्बिटल जिसका नेगेटिव लोब ये है, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव पी वाई एंड ऑल्सो इसके पास भी क्या है एक पॉजिटिव लोब है एक इसका नेगेटिव लोब, दिस इज पी जेड। पी वाई एंड पी जेड ऑर्बिटल इज एन हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये पूरा का पूरा एक प्लेन है, दिस इज प्लेन, और प्लेन में हमेशा क्या होता है हेड टू हेड कोलिजन होती है। और आपको एक चीज ये मालूम होनी चाहिए कि जब भी सिग्मा बॉन्ड बनता है तो वो ऑर्बिटल्स के हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है, और हेड टू हेड ओवरलैपिंग तब होगी जब सारे के सारे ओवरलैपिंग ऑर्बिटल एक ही प्लेन में होंगे। तो यहां पर क्या दिख रहा है हमें कि जो s ऑर्बिटल है और इसका जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो सारे के सारे एक प्लेन में है। तो यहां पर जब भी कोलिजन होगा वो कोलिजन आपका कैसा होगा हेड टू हेड कोलिजन होगा, ठीक है। तो अब देखिए अब कोलिजन होना है तो कोलिजन होगा कैसे देखिए इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी हेड टू हेड कोलिजन, इसमें हेड टू हेड कोलिजन होनी है, इनमें आपका हेड टू हेड कोलिजन होनी है, और इसके अलावा जो p ऑर्बिटल सबसाइड परपेंडिकुलर टू द प्लेन है इनमें आपका होना है साइड वाइज ओवरलैपिंग, यानी इसका पी वाई इसके पी वाई के साथ ओवरलैपिंग करेगा, इसका पी जेड इसके पी जेड के साथ, सिमिलरली नेगेटिव नेगेटिव ओवरलैपिंग भी हो सकती है। तो अब क्या हुआ देखिए ये जो कार्बन है
इसका एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके एस के साथ ओवरलैप कर गया, यहां पर इसको लिख देंगे एस एस पी ओवरलैपिंग। ऐसे इस कार्बन का जो एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो दूसरे कार्बन के एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर गया, इसको हम एसपी एसपी ओवरलैपिंग बोलेंगे। ऐसे ही इस कार्बन का जो एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो इसके हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल के साथ, यह जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है इसके एस एसपी ओवरलैपिंग होगा। ये तो एक प्लेन में ओवरलैपिंग हो रही है जिससे आपका एक बॉन्ड बनेगा जिसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। अब जो पाई ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है वो इस तरीके से हो रही है भाई, दिस इज पी वाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये पी वाई ऑर्बिटल है और ये इसका था पी जेड ऑर्बिटल, दिस इज पॉजिटिव लोब एंड दिस इज नेगेटिव, दिस इज पी जेड। सिमिलरली अब इसका एक पी वाई ऑर्बिटल होगा पॉजिटिव नेगेटिव एंड पी जेड पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव, तो ये पी वाई पी वाई इसके साथ, तो ये पी जेड ऑर्बिटल है तो इसका पी वाई इसके पी वाई के साथ बॉन्ड बना रहा है एक, ऐसे ही इसका पी जेड इसके पी जेड के साथ यहां से ओवरलैपिंग करेगा, ऐसे ही नेगेटिव नेगेटिव ओवरलैपिंग हो सकती है, इसका पी वाई जो है इसके पी वाई के साथ ओवरलैपिंग करेगा इसका पी जेड के साथ। तो फाइनली देखिए दिस इज ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, और ऑर्बिटल ओवरलैपिंग जब होती है तो यहां से इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, कार्बन दो कार्बन के बीच में इसका एसपी इसके एसपी के साथ हेड टू हेड कोलिजन कर रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब इसका एसपी इस हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल के साथ हेड टू हेड कोलिजन कर रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड यहां से बन गया, दीज आर सिग्मा बॉन्ड्स। एंड सेम वे इसका कार्बन का जो एसपी ऑर्बिटल है इसके एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है ये, तो ये सारे के सारे बन गए सिग्मा बॉन्ड जो एक प्लेन में ओवरलैप कर रहे हैं, ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। और जो साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहा है एक पी ऑर्बिटल की साइड दूसरे के पी ऑर्बिटल की साइड के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है और सेम एक्सिस में ओवरलैपिंग होती है, यानी पी वाई वाला होगा तो पी वाई के साथ ओवरलैपिंग करेगा, पी जेड वाला होगा तो पी जेड के साथ, तो इस तरीके से एक पाई बॉन्ड यहां पे बन गया और एक और पाई बॉन्ड इनके बीच में बना, वो पाई बॉन्ड पी जेड की ओवरलैपिंग से बनता। तो इस तरीके से आपका ओवरलैपिंग हुई और ओवरलैपिंग के बाद ये स्ट्रक्चर बन गया। और ऑलवेज ये भी याद रखिएगा कि जितने भी एल्काइन्स होते हैं दे आर लीनियर स्ट्रक्चर, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा कैसा होगा लीनियर स्ट्रक्चर, और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो अप्रोक्स 180 डिग्री का होगा क्योंकि एक ही लाइन में ये सारे के सारे कंपाउंड फॉर्मेशन होती है। तो दिस इज द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइन्स, यानी एल्काइन कैसे बनता है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में, तो वो आपको हमने दिखा दिया। एंड इट इज बॉन्ड एंगल देखिए एक 180 का बॉन्ड एंगल, और स्ट्रक्चर हमेशा कैसा होगा आपका लीनियर स्ट्रक्चर होता है। तो